Namaskar, I am Prakash Astrologer, presenting you weekly forecast. Your weekly forecast hai 23rd September se leke 29th September tak. Is weekly forecast ka base hai aapki chandra rashi, aapka moon sign. Is weekly forecast ka koi lena dena aapke sun sign ke saath nahi hai. Chandra sign ya moon sign ya chandra rashi aap pata kar sakte hain apni janam kundli se, apne birth chart se. Aur जो मून साइन को आपको बर्थ चार्ट के मुताबिक ही देखना होगा, अपने नाम के मुताबिक वो भी कई बार गलत होता है. अपना मून साइन पता करें, अपने बर्थ चार्ट से उसके मुताबिक फॉलो करें. वीकली फोरकास्ट 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर और बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र. वीकली फोरकास्ट आप सबके लिए. अगर आप अपने हॉरोस्कोप की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें आपके हॉरोस्कोप की पूरी रिपोर्ट, सारे उपाय, सारी प्रिकॉशंस और सारी मंत्र साधना आप लेना चाहते हैं, तो आप जो नीचे दिया जा रहा लिंक है हमारी वेबसाइट का, उस लिंक को दबाएं और वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन टैब को दबाना होगा. तो सब्सक्रिप्शन टैब दबाने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने होंगे. जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेना चाहते हैं उसको आप हासिल करें और उसके बाद उस सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताबिक सभी वीडियोस को एंजॉय करें. जो भी आपके पैकेज में है उसमें पूरे वीडियो के मुताबिक फोरकास्ट और रिपोर्ट आपको मिलेगी. धन्यवाद. लियो के लिए वीकली कंक्लूजन. इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सारे जो हालात आपके सामने रखे हुए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा लियो, और हर काम के अंदर रुकावटें बहुत होंगी. कुछ इशू चैलेंजेस बन के आएंगे, लेकिन फिर भी आप उनका सामना करेंगे. कामयाबी आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, लेकिन उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा. लियो के लिए ये पूरे वीक के अंदर मेजर प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे होंगे. कामकाज में फ्लक्चुएशन बहुत होगी, बहुत सारी हैसल्स को डील करना होगा. लेकिन फिर भी अगर आप लगातार अपना स्ट्रगल जारी रखें तो आपकी एक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिल जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेड प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी. बहुत सारे फैमिली रिलेशनशिप पहले से आपके ठीक हो जाएंगे, बहुत सारी हैसल इनसिक्योरिटी आपकी, उनसे आप फारिग हो जाएंगे. इनकम कई बार आपकी कम होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, फ्रूटलेस रनिंग अराउंड बहुत ज़्यादा होगी. बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको अपनी अकम्प्लिशमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी अकम्प्लिशमेंट के लिए. हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखने होंगे, हाईली क्वालिफाइड लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके बना के रखने होंगे, डिसीजन मेकर के साथ आपके कॉन्टैक्ट आपको बना के रखने होंगे. हेडेक से बच के रहें, ब्लड प्रेशर से बच के रहें, डोमेस्टिक आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें. बहुत केयरफुल रहें अपने डिसीजन और चॉइसेस को लेके, बहुत विचार से चले डिसीजन और चॉइसेस को लेके. नमस्कार. आप अपनी सब्सक्रिप्शन को चेंज करना चाहेंगे पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसपे अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप इंजॉय करेंगे 52 साप्ताहिक भविष्य, जो साप्ताहिक भविष्य फोरकास्ट आपके साथ दिया जाता है, जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और हर वीक का जो वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक भविष्य होता है उसके अंदर उपाय क्या होते हैं, क्या परहेजगारी क्या होती है और क्या मंत्र साधना करनी चाहती है, और पूरा जो वीक का डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए क्या होगा, हर वीक का 52 के 52 हफ्तों का वीकली फोरकास्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा. और हर वीकली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 500 शब्दों से ज़्यादा होती है, और हर वीडियो जो वीकली फोरकास्ट की होती है वो 4 मिनट के करीब होती है, 4 मिनट से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती. 12 मंथली फोरकास्ट होते हैं हर महीने का, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक. हर मासिक भविष्य इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और बहुत और प्रोडक्शन की गई है हर एक मून साइन के मुताबिक उसके पूरे मास का, बहुत उसका फोरकास्ट क्या होगा, उपाय क्या होंगे, प्रिकॉशंस क्या होंगी, मंत्र साधना हर एक मून साइन के बारे में क्या दी जाएगी, और साथ में ईयरली फोरकास्ट पूरे साल का जो भविष्य वो भी शेयर किया जाएगा. मंथली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा होती है, और मंथली फोरकास्ट की जो वीडियो होती है वो अराउंड 6 मिनट से ज़्यादा होती है. इसी तरह जो ईयरली फोरकास्ट, जो वार्षिक भविष्य होता है, वो हिंदी में भी आपको लिए उपलब्ध किया जाएगा और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको. और उसमें वार्षिक भविष्य के अंदर जो फोरकास्ट किया जाता है उसमें पूरे साल की प्रेडिक्शन होती है, सभी ग्रहों के गोचर होते हैं, आमतौर पे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का गोचर होता है, और उसमें सभी ग्रहों के, इन ग्रहों के आप पे क्या फल घटित होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बखान किए जाते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए अगर नेगेटिव हो, कौन सी मंत्र साधना आपको लेनी होगी,
बृहस्पति से को लेके, शनि को लेके, राहु केतु को लेके, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी पूरे साल के अंदर, आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन करियर कैसा होगा, आपकी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका इश्क, आपका रोमांस, आपकी रिलेशनशिप कैसे कैसे हाल होंगे, आपके कारोबार के अंदर क्या तरक्की होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी जॉब के हालात क्या होंगे, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हालात क्या होंगे, आपकी पूरे साल की उपलब्धियां क्या होंगी, इस पूरे आने वाले साल के अंदर क्या दुश्वारियों को फेस करना पड़ेगा, कौन सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, इस पूरे साल की उपाय पद्धति क्या होंगी, क्या कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से रेमेडीज आपको फॉलो करने चाहिए, इस पूरे साल के अंदर कौन से परहेज आपको करने चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना होगा, इस पूरे साल की मंत्र साधना कौन सी है, मेडिसिनल क्योर यानी अगर कोई विपता आ गई उससे जूझना कैसे करना है, किसी भी तरह की विपताएं हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो उससे कैसे जूझना है, या ऐसी मंत्र साधना जो आपको सिरमौर बनाए, जो आपको बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट दिलवाए वो कौन सी होगी, ये सभी जो ड्यूरेशन है ईयरली फोरकास्ट की जो रिपोर्ट होती है वो आमतौर पर 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है, यानी 7000 वर्ड से ज़्यादा होती है, 7000 शब्दों से ज़्यादा होती है। ईयरली फोरकास्ट की जो वीडियो होता है हमारा वो 90 मिनट से कम नहीं होता, अराउंड 90 मिनट्स के बराबर होता है, और अगर आप पेड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपके साथ शेयर किए जाएंगे 52 वीकली फोरकास्ट, आपके साथ शेयर किए जाएंगे 12 मंथली फोरकास्ट यानी 12 मासिक जो भविष्य होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो पूरे साल का भविष्य आपके साथ शेयर किया जाता है, यानी 65 रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं और 65 या वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं अगर आप पेड सब्सक्राइबर बने, तो फिर देर किस बात की है, जाएं आप चूज कर लें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ, थैंक यू।